वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरा नाम है रौनक गुप्ता और आज के ट्यूटोरियल में हम लोग सीखने वाले हैं टैली के अंदर अकाउंटिंग ग्रुप का उपयोग कैसे करते हैं। और थोड़ा सा अकाउंटिंग ग्रुप का अगर यूज़ आप लोगों को आ गया तो आपका जो कैलकुलेशन का जरिया है या फिर कुछ ग्रुप्स का यूज़ करके आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो जाएगी। आपको मैं आज के ट्यूटोरियल में वही सिखाने वाला हूँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स बिगिन द टॉपिक। सबसे पहले आपको मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ। एक एग्जाम्पल क्या है, आप एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल इज, मुझे सैलरी देनी है रवि को, राज को, रमेश को। अब सैलरी एक खर्चा होती है, आपने सैलरी देनी है, तो आप एक लेजर बनाते होंगे सैलरी का, उसको डाल देते होंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। अब मालिक को ये जानना है कि सैलरी में किस किस को देता हूँ, तो वहां पे सैलरी के हेड के अंदर आप ग्रुप का काम ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लें, आप जाइए सीधे अकाउंट्स के पास। अब आपको यहाँ मिलेगा ग्रुप, आप लेजर में जाते होंगे लेजर बनाने के लिए। अब जब लेजर बनाने जाएंगे, जैसे हमने डाला सैलरी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑब्वियसली सी बात है कि फर्म हर महीने की खर्चा करती है ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाता है, डाल दिया। बट अब ये ग्रुप का फायदा ये नहीं, ग्रुप कैसे होगा, आप पीछे आइए अकाउंट के अंदर, ग्रुप के अंदर सिंगल ग्रुप माने एक एक करके बनाना और मल्टीपल माने इकट्ठा। तो चलिए एक एक करके बनाते हैं, एक एक चीज समझाते हैं आपको। सबसे पहले मेन हेड डाल दीजिए सैलरी, इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालिए क्योंकि हर महीने देना पड़ता है। बाकी का आप सब कुछ पे एंटर कर दीजिए, आपका सैलरी का हेड बन गया। अब जब आप सैलरी दोगे, मान के चलिए मैं एंड सैलरी दे रहा हूँ, तो मैं कौन से वाउचर से एंट्री पास करूंगा, F5 यानी पेमेंट वाउचर, एंट्री पास कीजिए। और ये देखिए, ये जो प्रॉब्लम आ रही है, ये कुछ बच्चे मुझसे ये भी बोलते हैं कि सर ये जो फॉर्मेट है ना, ये मुझे हटाना है और दूसरा लगाना है। तो ऐसी कोई फॉर्मेट अगर चेंज करना हो तो आप कीबोर्ड से F12 दबाइए। F12 दबाने के बाद आपके सामने पैनल खुलेगा, इसमें आपको दूसरा ऑप्शन मिलेगा, यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीव कॉन्ट्रा वाउचर ऑप्शन। इसको आप नो कर दीजिए क्योंकि सब आपको डेबिट और क्रेडिट चाहिए, तो उसकी जगह पे आप ये नो करके रखिए। सिंगल मोड हट जाएगा और डबल मोड लग जाएगा। और किसी को अगर डेबिट क्रेडिट की जगह पे टू और बाई चाहिए, तो ये ऑप्शन नो की जगह यस कर लीजिए, आपको डेबिट और क्रेडिट की जगह पे टू और बाई मिलेगा। और अगर टू और बाई की जगह पे डेबिट और क्रेडिट चाहिए, तो यस की जगह नो ही रहने दीजिए। देख सकते हैं आप लोग, डेबिट हो गया। अब जिस जिस बच्चे को डेबिट क्रेडिट ज़्यादा सिंपल लगता है, वो उस फॉर्मेट में एंट्री कर सकता है और वैसे भी कर सकता है। अगला, अब मैं पेमेंट करता हूँ सैलरी का। चलिए मैं किसको दे रहा था सैलरी, चेक कर लेते हैं, रवि को, राज को, रमेश को। अब रवि, राज और रमेश सैलरी प्रोवाइड करनी है। अब विदाउट लेजर की सैलरी प्रोवाइड नहीं हो सकती, तो आपको अगर कभी भी यहीं से बैठे बैठे लेजर बनानी हो करे, जैसे आप लोग पीछे जाते हो अकाउंट में जाते हो, लेजर में जाते हो, क्रिएट में जाते हो, यहाँ पे जाकर के तो लेजर बनती है। अगर आप लेजर यहाँ बनाते हो, जैसे अभी कभी एंट्री अटक जाए या बीच में आपको चाहिए, तो वहीं पे ही आप लेजर बना सकते हो। वाउचर पे जाओ सीधे और कीबोर्ड से दबा दो Alt+C, ठीक है, आप यहाँ से लेजर बना सकते हो। चलिए लेयर बनाते हैं। लेजर इज रवि, रवि को अब आप किस में डालेंगे, रवि को आप क्या देते हैं, सैलरी। तो आप डालिए अपना सैलरी का ग्रुप। जैसे ही आप सैलरी डालेंगे, ऑटोमेटिकली रवि का नाम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में काउंट किया जाएगा। आ गया। अब रवि को मान के चलती है 2,000 रुपये सैलरी, क्रेडिट में दे दिए कैश, बीइंग सैलरी पेड टू रवि, और ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली पास। इसी प्रकार से राज भी है भाई, तो यहीं से मुझे लेयर बनानी है, बनी तो है नहीं, ऑल्ट सी दबाइए, राज सैलरी का ग्रुप एंटर, इसको भी 2,000 रुपये दे देते हैं कैश, बीइंग सैलरी पेड टू राज, एंटर एंटर। उसके बाद रमेश को भी इसी प्रकार से सैलरी दे देते हैं, पर अभी लेजर है नहीं, ऑल्ट सी, रमेश सैलरी सैलरी और एंटर, इसको भी 2,000 रुपये दे देते हैं बाबूजी को। लो भाई तुम भी खुश रहो, बीइंग सैलरी
टू रमेश, एंटर एंटर, तीनों को मैंने सैलरी दे दी। ओके, इसी प्रकार से अगर आप जानना चाहते हैं सैलरी का हेड कहाँ जाता है, तो आप सबसे पीछे जाएंगे गेटवे ऑफ टैली के पास, नीचे आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के पास, और यहाँ आपको मिलेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर करेंगे। अगर आपको देखना हो तो ध्यान से देखिएगा, आपका ग्रुप था सैलरी का, और सामने देखिए सैलरी के अंदर आप जाके पता कर सकते हैं कि किस किस बंदे को आप सैलरी प्रोवाइड करते हैं। तो आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा। अगर मैंने सैलरी के हेड में किसी को नहीं डाला होता और डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाला होता बंदे को, तो वो सीधे हेड के अंदर नहीं आता, वो सीधे बाहर आता। अब देखो मैं एग्जाम्पल प्रूफ करके दिखाता हूँ। ये ग्रुप है सैलरी का, ये तो मेरा ग्रुप बनाया था मैंने। अब मैं एक लेजर बनाता हूँ आपके सामने, लेटेस्ट लेजर क्रिएट। मैंने डाला राज मोहन, इसको मैं सैलरी में नहीं डाल रहा, इसको मैं सैलरी देता हूँ बट इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल रहा हूँ। इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप में नहीं डाल रहा हूँ। उसके बाद पीछे गया, इसको मैंने पेमेंट किया राज मोहन, इसको सैलरी दे देते हैं 2000, एंटर कैश बीइंग सैलरी पेड टू राज मोहन, सेव कर दी, बैक आ गए। अब आप चेक करके देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में, जाइए इनडायरेक्ट एक्सपेंस के पास, देखिए कितना घाटा है, बाहर ही आ रहा है ये, अंदर नहीं जा रहा है। राजमोहन को मैं सैलरी देता हूँ बट वो सैलरी के ग्रुप में था ही नहीं। अब जब भी आपसे कोई ऑनर ये पूछे कि यार मुझे किस किस को मैं सैलरी प्रोवाइड करता हूँ, सबकी लिस्ट का प्रिंट आउट निकाल के लाओ, तो यार ग्रुप चाहिए होगा, ग्रुप नहीं होगा तो फिर कैसे प्रिंट आउट निकालोगे। उसके बाद पीछे आइए, इस राजमोहन को करेक्ट करने के लिए आप ऊपर अकाउंट पर जाइए, लेजर पर जाइए, ऑल्टर में जाइए, और राजमोहन पे जा करके इसको सुधार लो। अब आपका सैलरी का ग्रुप काम कर जाएगा, आपका काम खत्म। आप पीछे जाइए प्रॉफिट एंड लॉस पे जाइए, चेक कर लीजिए। वाओ, ये सारे बंदे हैं जो महीने की सैलरी लेते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं। अगर आपको कोई डाउट है मन में तो आप कमेंट करके या मेल करके पूछ सकते हैं।